बड़ी अपडेट इस समय की जम्मू के नरवाल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो से इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है और किसी को भी यहाँ से आगे की ओर जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। बड़ी अपडेट इस समय के जम्मू परिवर्तन पर देखते हुए यहाँ पर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो जम्मू के नरवाल में देखने को मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। पूरी जानकारी जो है वो आना बाकी है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा इस पूरे इलाके में यहाँ पर पूरे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट जो है वो किस चीज़ का हुआ है और क्या कुछ वजूहात जो है वो यहाँ पर रहे हैं। तस्वीरें आप इस समय की जम्मू के नरवाल से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें जम्मू के नरवाल से हालांकि सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दो मिस्टीरियस ब्लास्ट यहां पर हुए हैं, लेकिन उसमें चार से पांच लोग जो है वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहां से अस्पताल के लिए शिफ्ट करके यहां से ले जाया गया। और वहीं आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी यहां पर मुस्तैद कर दी गई है, इलाके को पूरे तरीके से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस चीज़ के वो ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये कहें कि जम्मू को फिर से जो है वो दहलाने की कोशिश की गई है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि आज फिर से जम्मू के नरवाल इलाके में दो मिस्टीरियस ब्लास्ट देखने को मिलते हैं और जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन SDPO नरवाल यहाँ पर पहुँचे हैं, आर्मी की टीमें यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि आर्मी का काफिला इस समय जम्मू के नरवाल में यहाँ पर पहुँचता हुआ लगभग चार से पाँच लोगों का इसमें बताया जा रहा है कि वो इसमें जख्मी हुए हैं। देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहां पर पहुंचती हुई इलाके को पूरे तरीके से खंगालने का काम यहां पर किया जाएगा। जम्मू के नरवाल से इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहां पर दो मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले हैं और देख सकते हैं कि यहाँ से आगे की ओर जाने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खास से इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह है यहाँ पर दो धमाके जो है वो देखने को मिलते हैं और जिसके नतीजे में चार से पांच लोग जो है वो इसमें जख्मी हो जाते हैं। पुलिस का बड़ा अमला और इंडियन आर्मी का बड़ा अमला इस समय यहां पर पहुंच चुका है और लगातार इस एरिया को, जम्मू के नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के एरिया को यहां पर खंगालने की कोशिश जो है वो की जाती हुई। चार से पांच लोग इस दो जो ब्लास्ट यहां पर हुए हैं मिस्टीरियस ब्लास्ट उसमें जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि माता रानी से ज़रूर दुआ कीजिएगा कि जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी जानों को यहां पर बचाया जा सके, लेकिन आसपास जो लोग यहां पर मौजूद हैं उन्हें यहां से पुलिस द्वारा जो है वो हटाने की कोशिश की जाती हुई। लगातार आप देख सकते हैं कि एक बड़ा काफिला इस समय यहाँ पर इंडियन आर्मी का और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर पहुँचा है और इलाके को पूरे तरीके से सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि ये ब्लास्ट जो है वो किन वजहात पे हुआ है और किसने ये ब्लास्ट की मिस्टीरियस ब्लास्ट को जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया है इसके बारे में जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी खबर जम्मू के नरवाल से, यहाँ पर दो मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो देखने को मिलते हैं और अभी फिलहाल किसी को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा पूरे इलाके को यहाँ पर मुहिस्सरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि जो भी जिन लोगों द्वारा भी अगर इस चीज़ को जो है वो अंजाम दिया गया होगा तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। लेकिन आप सब लोग सबसे पहले दुआ कीजिएगा कि जो लोग इसमें इस मिस्टीरियस ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। लगातार यहाँ पर आर्मी का काफिला जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँचता हुआ ताकि पता लगाया जा सके। देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ से लगातार
पुलिस द्वारा जो है वो यहाँ से दूर रहने की अपील यहाँ पर जो है वो की जा रही है कि लोग इस जगह से दूर रहें, क्योंकि यहाँ से आगे किसी को भी जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ही जो है वो इस इलाके में यहाँ पर जा सकते हैं। और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है वो किसने किया है या फिर कैसे हुआ है। फिलहाल इस हवाले से अगर और भी कोई जानकारी सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।